नमस्कार सीमा इंडियन रसोई। अरे बंद करो बंद करो। नमस्कार सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो बस यहाँ पे हम बर्थडे की तैयारी में लग गए हैं। तो सबसे पहले मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाय का दूध से छेना बना लिए थे और इसके बाद इसे मसल मसल कर स्मूथ कर लिए थे और बस छोटे छोटे गोले बना करके और इसको हम चपटा कर लेंगे। कुछ अलग तरह का मिठाई बनाने की प्रयास किए हैं। और वैसे एक बार इसका हम वीडियो डाले थे पर इस बार हम रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे सारा हमारा मिठाई रेडी हो गया था और हमारा जो चाशनी था वो भी खोलने लगा था। तो एक एक मिठाई करके और हम इसमें डाल देते हैं। A few moments later. आइए। प्रणाम आंटी। रुचि दी प्रणाम। बस क्या? हम रिकॉर्ड कर रहे, कोई गनवे नहीं गाया। हैप्पी बर्थडे डियर डियर अमित, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और एक बार और वो लगाना कर दीजिए। मजे नहीं आया। तुम्हें जियो हजारों साल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। एक्सपेरिमेंट हो रहा है न रुचि, मिठाई का एक्सपेरिमेंट। हाँ ससुर जी देखेंगे तो कहेंगे इस पुतैये तो मिठाई बनाती है, बना 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 बना। तो बस मिठाई बनने के बाद इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिए थे और इसके बाद क्रीम से सजा देते हैं। जैसे समझ में आया वैसे सजा दिए। मिठाई रेडी हो गया, खाना रेडी हो गया, बस खाना में थोड़ा सा बाकी है। केक बन रहा है, चलिए देखते हैं केक बना के नहीं। और उधर हमारा केक भी बन रहा था और इधर हर्षित बर्थडे का तैयारी कर रहा था। तो बस बैलून को फुला करके और इस थोड़ा सा अलग सजाने की कोशिश किया है और कोशिश बहुत अच्छा भी रहा। तो बस यही सब तैयारी चल रहा है। नमस्कार सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है और किसका बर्थडे है गेस कीजिए आप लोग भी। और सुबह से ही वीडियो बना रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप ले पा रहे हैं क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसलिए नहीं कर पाते, हमसे नहीं हो पाता है। और काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग भी छूट गया है तो वो भी नहीं हो रहा है। वीडियो बन जा रहा है और वीडियो बन जा रहा है पर वो जा नहीं पा रहा है, तो ऐसा चल रहा है। तो बस यहाँ पे हर सीट डेकोरेट कर दिया है, जैसे बच्चा को समझ में आया वैसे कर दिया है और अच्छा ही से किया है। और पतिदेव का हम लोग वेट कर रहे थे तो वो भी आ गए हैं, पर हर सीट का अभी थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या बाकी है, ये अभी फ्रेश नहीं हुआ है, जाके कपड़ा चेंज करेगा। और मेरा लगभग खाना भी बन गया है और केक भी बन गया है। ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि केक और सेम वैसा ही केक बनाया है, तो इसलिए केक का रेसिपी नहीं शेयर किए हैं, बस बनाए और उसको अभी डेकोरेट करके फ्रिज में रखे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए केक। केक और यहाँ पे मिठाई भी सुबह जो बनाया था वो डेकोरेट हो गया है और काफी सुंदर लग रहा है। तो
तो बस सारा तैयारी हो गया है और एक केक खराब भी हो गया है। ये देख, पता नहीं कैसे खराब हो गया, पर एक केक तो सही निकला। और यहाँ पे ये भटूरा का आटा गूंध लिए हैं। और यहाँ पे छोला बन गया है। और यहाँ पे ये खीर बन गया है। और ये है दही बड़ा, क्या मस्त दिख रहा। तो बस केक वगैरह कट जाएगा, तो पहले खाना खिला ले क्या, क्योंकि खाना तैयार है। तो भटूरा बस एक एक बनते जाएगा और सर्व करते जाएंगे। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले केक काट ले या फिर खाना खिला ले। पहले खाना खा ले ना, वही सही रह रहा है। और कुछ गरम गरम। अरे इसको क्यों, आंटी को क्यों दे रहे हैं? जाइए, नहीं खाएंगे। रुचि यहाँ पे पकौड़ा लेके आई, मस्त गर्मा गर्म। और इनको पापा सरप्राइज दिए हैं। रुचि तो कब से मेरे घर में थी, और ये लोग गई बोल करके कि पापा गुस्सा में हैं, रुचि के पापा। तो देखिए पकौड़ा लेके आई हैं, खा लेते हैं, आप लोग से फिर बात करते हैं। मुझे इतना खाना है। बाहर अंकल और पापा एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस देख के। अभी अंकल सुपर क्रिंज वीडियो गाइस। जय श्री राम, जय श्री राम।
लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे, पापा को दे दो। मेरा बर्थडे का केक। हाँ आप लोग भी खा लीजिए। बन रहा है। हाँ अच्छा फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर से पीछे जा। हाँ तो रोज ये हो गया। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए मेरा बर्थडे का केक। ये दिखने में खराब है पर इसके जैसा वो केक नहीं है। इट्स अमेजिंग। तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है ना रुचि? हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। अमित का बर्थडे था अभी आप लोगों को बता रहे हैं। अमित का बर्थडे है अभी है और है अभी पर केक कट गया। हाँ। तो बस और खाना पीना भी हो गया है बहुत सारा सिंपल सा। पर खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी। कैसा लगा? यम्मी टेस्टी। कैमरे इधर है आप सभी का। मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। हाँ, लीजिए लीजिए। मेरी इस बर्थडे पार्टी को स्पेशल बनाने के लिए आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। ठीक है थैंक्स टू मेरी माँ। थैंक यू अपने पास रखिए। बस रेस्टोरेंट जाना है ना। अरे ये डेकोरेट करेगा हम लोग केक बनाएंगे। सामने हम कन्फेस करना चाहते हैं। थैंक यू अपने पास रखिएगा। आप लोग को रेस्टोरेंट में खिलाएंगे बहुत जल्द। ये प्रूफ है। पहले कितना पहले कमाई का? कितना पहले ये बताओ अपना कमाई। कितना पहले का? शादी से पहले। कितना पहले आपका? शादी से पहले। तो कितना पहले? तो कितना महीना पहले?
सॉरी हम बेटा को गिफ्ट नहीं दिए भाई, इतना गिफ्ट गजब, आप ही तो मन छोटा कर रहे हैं मेरा, बताइए इतना कुछ दे दिए और गिफ्ट बस हम, अरे यार जन्म दे दिए बहुत बड़ा गिफ्ट कर दिए मेरे लिए बस हम इस खाना ही बना के खिला सकते बस सुनिए ना, जीवन में वही चाहत है बस बस किसी और को भी रैप करके देना होगा ना अरे जल्दी कीजिए भाई। अच्छा एक मिनट फाड़ दिए इस बार भी पता है कौन निकला है? हाँ। मम्मी के फेवरेट भगवान नहीं काली मैया नहीं कृष्ण जी राधा जी हनुमान जी भैया खुद अभी अच्छा से नहीं देखे नहीं राधा कृष्ण तिरुपति बालाजी मम्मी को जो सबसे पसंद है गणपति हुआ एकदम अलग अलग गिफ्ट लाती है लैपटॉप पे हुआ का पिछले साल का गिफ्ट और ये इस साल का गिफ्ट दोनों लगा रहता है टेबल पे नहीं रहता वहाँ लगा रहता है ये अभी ऐसे पसंद हम किए भैया हम लोग किए थे कौन से ये गणपति जी आ रहे हैं हे बापा ऐसे ही ना सारा विघ्न हरते रहिए और ना खूब सारा एकदम पैसा आते रहे धन का वृद्धि होता रहे धन बुद्धि विद्या सुनिए विघ्नहरिएगा और ना सारा पैसा जो सब पैसा खत्म सबका जाने का वीडियो बना रहे हैं क्या बज गया है 10:30 खत्म हुआ चलो सुजल एंड करेगा मेरा वीडियो को इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। प्रकार हमारा बर्थडे इस प्रकार सेलिब्रेट हुआ और सभी को बहुत बहुत थैंक यू बहुत अच्छा लगा सब बहुत अच्छा लगा चार चांद लगाए चार चांद लगाने के लिए हाँ बहुत सारा थैंक यू आप सभी को मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम गुड नाइट जय श्री राम जय श्री राम बगल की आज खाली कल ले ली अरे कल चलेगा 2-4 साल और चलेगा 10 साल पुराना नींबू का अचार है काफी फ्रेश है ना रुचि खराब नहीं हुआ ना नहीं कभी खराब होगा भी नहीं अचार बोलते जितना अचार और शराब जितना पुराना होता है ना उसका वैल्यू गुण और बढ़ जाता है इस शराब पीती है देखो ये फंस गया सी है नहीं ये फैक्ट सभी को बाय बाय गुड नाइट राधे राधे फिर मिलते हैं जाने कब मिलोगी अरे गाना में बोल सकते जब तुम कहोगी नहीं मरसो चलिए कहाँ बस हम आपके पास हैं बाय तो फिर कल मिलते ठेकुआ बनाने के लिए